Hello dear students, in this video lecture we will discuss second order linear differential equation with variable coefficients. Previous video lectures में हम लोगों ने already constant coefficients कर चुके हैं and then अपने एक Cauchy-Euler equation की है जिसमें specific type के आपके पास coefficients की बात की गई थी, but इस बार अब हमारे पास यहाँ पर कुछ उस type की particular forms नहीं होगी कि just like हमने एक में देखा x raised to the power n order of the differential equation जो भी आपके पास है उसी के सेम पावर्स में आपके पास x से मल्टीप्लिकेशन था या ए एक्स प्लस बी से मल्टीप्लिकेशन था, बट इस बार ऐसा अब आपके पास नहीं होगा। अब आपके पास ये कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, जनरल कॉफिशियंट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, तो उस तरह के प्रॉब्लम्स को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। सो बेसिकली अब अभी हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इग्नोर कर लेते हैं एंड देन उसके बाद फिर उसको प्रोसीड करते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज द स्टैंडर्ड form of second order linear differential equation is। देखिए हो सकता है हमारे पास ये second order का जो derivative है इसके साथ भी कुछ coefficients आ रहे हों, but उनको आप change करके like that इस तरह से express कर लेंगे कि equals to say some r may be equation number वन। यहाँ पर पी क्यू आर आप डिफाइन कर सकते हो, वेयर पी क्यू एंड आर आर फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ओनली, आर फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली। हम वेरिएबल कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन सी मिलेंगे, तो ये एक हमारे पास स्पेसिफिक टाइप की इक्वेशन आ गई। अभी जस्ट मैंने बोला हो सकता है कि आपके पास सेकेंड ऑर्डर टर्म्स के साथ भी कुछ कोएफिशिएंट्स इंट्रोड्यूस्ड हो, बट आप उसको फाइनली जो भी आपके पास कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करके इसका कोएफिशिएंट आप वन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद जो भी हमारे पास रिजल्टिंग इक्वेशन होगी उसमें डी वाई ओवर डी एक्स का कोएफिशिएंट पी होगा, सिंपली वाई का कोएफिशिएंट क्यू होगा एंड राइट साइड फंक्शन इज नोन एज द आर। तो इस तरह की इक्वेशंस को अब हमें यहाँ पर प्रोसीड करना है। इसके लिए कुछ आपको मेथड्स डिफाइन किए गए हैं जिसमें फर्स्ट वन इज़ द रिडक्शन ऑफ द ऑर्डर, मींस हमारे पास अभी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है इसको हम रिड्यूस करके इसके लोअर ऑर्डर में लेके जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। एक तो ये हमारे पास जो अभी हम डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद आता है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इस तरह से चेंज कर लें कि आपकी इक्वेशन क्या हो जाए, इंटीग्रेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। भाई सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास कब आती है, अगर हमें किसी मेथड की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमारे पास डायरेक्टली इक्वेशन इंटीग्रेबल ना हो, हम उसको सॉल्व ना कर पा रहे हो, तभी हम उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चेंज ऑफ वेरिएबल एक उसी में से आपका पार्ट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है नॉर्मल फॉर्म, मीन्स जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे एक पर्टिकुलर अगेन ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसको हम ईजिली इंटीग्रेट कर सकें, जिसका ईजिली हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल हो बाई द नोन मैथड्स, ओके। एंड देन लास्ट वन इज द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो इसमें आपके पास क्या होगा, आप कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जो लेफ्ट साइड में इक्वेशन है उसका सी एफ आपके पास होगा, उसका सोल्यूशन आपके पास होगा, और उसके हेल्प से हम जो हमारे पास राइट साइड में भी फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है उसको भी ऑब्टेन करेंगे। तो बेसिकली जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है वो आपको राइट साइड फंक्शंस को भी हैंडल करने के लिए एक प्रोसेस दिया गया है। लेफ्ट साइड तो ईजिली आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो राइट साइड में जो भी फंक्शन आपके पास आता है उसको आप वहाँ पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के अंदर टैकल करेंगे। सो अभी हम केवल यहाँ पर एक कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, पहले इसको देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। सिंपली अभी जैसा हमने इसमें मेंशन किया है वर्ड रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, इट मीन्स हमें अपनी गिवन इक्वेशन जो इक्वेशन वन है उसका ऑर्डर रिड्यूस करना है। सो इसके लिए कुछ वर्क आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ एजम्पन्स टेक करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर हम प्रोसीड करते हैं अब इसके साथ, व्हेन कुछ कंडीशंस भी हैं। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले हम मेंशन करते हैं व्हेन वन पार्ट ऑफ सी एफ, सी एफ मीन्स कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज गिवन, ये आपको गिवन होगा। अगर नहीं गिवन है हम इसके प्रोसीजर्स भी देख रहे हैं कि कैसे हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, इज गिवन देन बी यूज
रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। अब ये किसके लिए करना है आपको रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, जो भी आपकी इक्वेशन गिवन है से इसको हम मान लेते हैं, दिस इज द ऑपरेटर एल, एल इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड द वेरिएबल इज वाई, सो एल वाई इज जीरो। ठीक है, ये आपके पास हो गया ऑर्डर एल वाई इक्वल टू जीरो इज गिवन। अब ये जो आपने सी एफ की बात की है कि दिस वन इज गिवन, तो ये गिवन क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम सपोज अभी करते चल रहे हैं, बाकी जो एक एग्जांपल प्रोसीड करेंगे आई होप वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। लेट इसको हम कॉल कर लेते हैं से सम फंक्शन जेड इक्व टू एफ एक्स इज गिवन पार्ट ऑफ सी एफ इज गिवन पार्ट ऑफ सी एफ। ठीक है, देन y equals to some b times of z h complete solution। आप एंड मत लिखिए, यहां पर देन लिखिए। आपके पास एक फंक्शन गिवन है z equals to fx, जो cf आपके पास गिवन है, cf नॉर्मली सारे लोग जानते हैं, लेफ्ट साइड के पार्ट से ही आपको ऑब्टेन करना है। ठीक है, सो जो मीन्स होमोजीनियस पार्ट से ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो वो आपके पास गिवन है, देन आपने कुछ एक सोल्यूशन कॉल कर लिया है कि विच इज गिवन वाई बाई इक्व टू बी टाइम्स ऑफ जेड इज द कम्प्लीट सोल्यूशन। अब डेफिनेटली आपके पास बी अभी नोन नहीं है, तो उसके लिए भी आप सॉल्व करेंगे। अब आपने अगर ये सोल्यूशन कॉल किया है, इफ दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर इक्वेशन मे बी कॉल्ड एज दिस इज द टू, इफ दिस इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू देन डेफिनेटली इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन टू। सो हम अब कुछ यहाँ से इसको सोल्यूशन कॉल करते हुए अब कुछ कंडीशंस ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, सो ऑफ बंद कर दिया। अब ये आपके पास सोल्यूशन है डेफिनेटली, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोज में जब सबसे पहले डिफरेंशियल स्टार्ट की वहां पर बताया भी थी कि एनी फंक्शन इज द सोल्यूशन इफ इट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। तो वही प्रोसेस हम यहाँ पर अगेन यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपने आपको डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए ऑफ वाई के टर्म्स में एक इक्वेशन ली थी और उसका वाई इक्वल टू से सम ई रेस टू द पावर लैम्डा ऑफ एक्स सोल्यूशन कॉल किया था, एंड देन उसके बाद हमने वो लैम्डा क्या आ रहा है उसको ऑब्टेन भी किया है। मैं अगेन इसमें अटैच कर दूंगा, सेम हम वही प्रोसेस यहाँ पर अगेन अटे यहाँ पर प्रोसीड कर रहे हैं। तो हमारे पास ये अगर हमने मान लिया कि सोल्यूशन है, तो देन डेफिनेटली इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो यहाँ से हमें इक्वेशन के अंदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, हम उसको ऑब्टेन करते हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स और मे बी बाई डैश, यू कैन सिंबलाइज दिस वन, v definitely is a function of x, so this can be written as v dash z plus z dash of v। ठीक है, क्योंकि z dash इसलिए लिख पा रहे हैं, z is the function of x। अगेन नेक्स्ट वन y डबल डैश इज, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर लो, v dash z plus v dash z dash plus v dash z dash प्लस जेड डबल डैश बी। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज टू टाइम्स, बिकॉज दीज आर द सिमिलर टर्म्स, सो दिस इज टू टाइम्स बी डैश जेड डैश प्लस जेड डबल डैश टाइम्स ऑफ वी। ये सारे के सारे आपकी वैल्यूज आ गई हैं, बाई है, बाई डैश है, बाई डबल डैश है, यू कैन सब्स्टिट्यूट इन वन। जैसे ही आप वन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन दिस वन इज डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बी डबल डैश जेड प्लस टू टाइम्स ऑफ बी डैश जेड डैश प्लस जेड डबल डैश ऑफ बी प्लस पी टाइम्स, आपने पी कॉल किया है वी डैश जेड डैश, सॉरी इट्स नॉट बी जेड डैश डैश बी डैश जेड प्लस जेड डैश वी प्लस क्यू वाई, एंड यू एज्यूम द वाई एज वी जेड इक्वल टू सम आर। ओके, सो यहाँ से आप b के टर्म्स में सारी इक्वेशंस को नोट डाउन कर लीजिए। b डबल डैश इज ओनली सिंगल टर्म, सो दिस कैन बी रिटन एज b डबल डैश z प्लस v डैश के टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, आई थिंक दिस इज द 2z डैश प्लस दिस वन इज p ऑफ z प्लस, अब हम b के टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, b z डबल डैश प्लस पी जेड डैश
प्लस क्यू जेड इक्व टू से सम आर। अब अगेन देखिए भाई, अगेन यहाँ पर देखिए, सिंस जेड एक्स इज द पार्ट ऑफ सी एफ सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द पार्ट ऑफ सी एफ, और सी एफ क्या होता है, वन काइंड इज द सोल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन, इज द सोल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन। सो बेसिकली आपके पास ये जो आपके पास जेड है, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस होमोजीनियस जेड के, आपने बाई की जगह पे जेड पुट कर देना है, सो जेड डबल डैश पी जेड डैश प्लस क्यू जेड इक्व टू जीरो, इसका आपका सोल्यूशन हो रहा है। सो दिस वन इज द जीरो, हेंस जेड डबल डैश प्लस पी जेड डैश प्लस क्यू जेड एच जीरो। तो ये क्वांटिटी तो भाई आपकी हो गई जीरो। इसके बाद आपके पास ऊपर जो आपका रिजल्ट था कितना बच गया, बी डबल डैश जेड प्लस बी डैश टू जेड डैश प्लस पी जेड इक्व टू आर। हम यहाँ से भी अगर जेड से डिवाइड कराना चाहें तो इसको जेड से डिवाइड कर देते हैं, देन दिस कैन बी रिटन एज बी डबल डैश प्लस इसको पी प्लस टू जेड डैश ओवर जेड टाइम्स ऑफ वी डैश, ओके बी डैश इक्व टू आर ओवर जेड। ठीक, यहाँ पर भी आप इजली देख पा रहे होंगे कि अभी तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन ही है, और हमने जिस तरह से इसका टॉपिक मेंशन किया उसमें हम ऑर्डर रिडक्शन की बात कर रहे हैं। सो आई थिंक वी कैन एज्यूम समथिंग से लेट बी डैश एज सम एनदर वेरिएबल में बी टी, देन वॉट इज वी डबल डैश, बी डबल डैश इज सिंपली टी डैश। सो वी कैन राइट द अबव इक्वेशन लाइक दैट, डी टी ओवर डी एक्स प्लस पी टाइम्स सॉरी प्लस पी प्लस टू टाइम्स जेड डैश ओवर जेड टी इक्व टू आर ओवर जेड। जेड से प्रॉब्लम नहीं है, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये इक्वेशन टोटली आपकी कन्वर्ट हो गई इन टर्म्स ऑफ द एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टी एज द डिपेंडेंट वेरिएबल, विच इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन, विच इज लीनियर ऑफ ऑर्डर वन। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बड़ा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, अभी तक तो हमने यहाँ पर जेड एक कॉल कर लिया था, जेड इज द पार्ट ऑफ द सी एफ। अब एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये सी एफ हमारे पास है क्या, हमें नहीं पता है कि ये क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स नहीं है जिसमें हम सी एफ बड़े इजीली ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको एक दो प्रोसीजर्स हम आपके साथ शेयर करते हैं जिनके थ्रू आप इजली जो आपके पास जेड फंक्शन है उसको इवेल्युएट कर पाएंगे। सो अब इसी के लिए हम देखते हैं वन बाई वन। पहले हमारे पास होमोजीनियस सी एफ ऑलवेज डिफाइंड फॉर द होमोजीनियस पार्ट, तो होमोजीनियस इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। सो नाउ कंसीडर होमोजीनियस पार्ट पार्ट ऑफ वन, कितना आएगा भाई, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्व टू जीरो। अब इसका हमें सी एफ डिफाइन करना है ना, ओके तो सी एफ डिफाइन करने के लिए अब जैसे हमने प्रीवियसली भी जो सबसे पहले सोल्यूशंस की बात की, हम सेम वही प्रोसीजर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी बोला कि एनी फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ दिस फंक्शन सेटिस्फाइज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम उसी प्रोसेस को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो नंबर वन हम यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज इफ e रेज टू द पावर ए एक्स इज ए सोल्यूशन, हमें अभी नहीं पता है कि ये है या नहीं, हम देखना चाहते हैं कि क्या ये भी हो सकता है। और नॉर्मली e रेज टू द पावर x मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नॉट ओनली e रेज टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ईजली इज द सोल्यूशन ऑफ योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहला हम इसीलिए इसी को यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। अब ये इसका अगर सोल्यूशन है,
then definitely it will satisfies the this homogeneous part. So you can substitute, this is the a square e raised to the power ax plus p times a e raised to the power ax plus q times e raised to the power ax is 0, e raised to the power ax is taken out, a square plus pa plus q equals to 0. So e raised to the power x can never be 0. So what be the a square plus pa plus q should be 0. तो एक आपके पास कंडीशन आ गई है, मीन्स अगर आपके पास जो आपकी गिवन इक्वेशन है उस गिवन इक्वेशन के अंदर ए स्क्वायर प्लस पी ए प्लस क्यू इक्वल टू जीरो हो रहा है, देन डेफिनेटली ई रेज टू द पावर ए एक्स इज द पार्ट ऑफ द सी एफ ऑफ दिस वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, और यू कैन से दैट दिस वन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. और सी एफ बेसिकली क्या होता है, वन काइंड ऑफ सोल्यूशन ही आपके पास होता है. आपके पास कई सारे रूट्स आते हैं तो उसमें से कोई एक सोल्यूशन आप उसको बोलते हैं, ठीक है. तो एक पार्ट हमें यहाँ पर चाहिए था तो वो ये इस तरह से मिल रहा है. अगर हम कुछ एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें, ई रेशो द पावर एक्स तो भाई नॉन जीरो होगा, तो मैंने यहाँ पर अभी मार्क नहीं किया था, इस तरह से लिख दे रहा हूँ, ठीक है. अगर मान लीजिए, अब ये तो जनरलाइज्ड है, हम एक पर्टिकुलर लेकर चलते हैं. मान लो हमारे पास जेड है ई रेशो द पावर एक्स, यहाँ पर ए कितना है, वन. अब इक्वेशन में हमारे पास कितना आएगा, वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो. तो अब जो भी आपके पास ये पी क्यू होंगे, वन के साथ ऐड करके अगर वो जीरो प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन डेफिनेटली दिस वन इज द सोल्यूशन. नहीं जीरो कर रहे हैं, देन दिस फंक्शन कैन नेवर बी द सोल्यूशन ऑफ दिस होमोजीनियस पार्ट वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो. सो देखते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं, आई होप थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा. सपोज वी हैव अ इक्वेशन एक्स वाई डबल डैश माइनस टू एक्स माइनस वन वाई डैश प्लस एक्स माइनस वन वाई इक्वल्स टू जीरो. सो हमने पहले ही आपको बताया कि हमें क्या करना है भाई, जो सेकेंड ऑर्डर टर्म है उसका कोएफिशिएंट वन बनाना है. तो वाई डबल डैश एज इट इज, x से हमने डिवाइड कर दिया होल इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वाई डैश प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो. देखिए यहाँ पर राइट साइड फंक्शन नहीं है, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपके पास जो भी पार्ट है उस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है. तो एक क्वेश्चन अभी हो सकता है, कई सारे लोगों के दिमाग में ये भी आ जाए कि तो ये होमोजीनियस पार्ट है, हमने एक सी एफ तो निकाल लिया तो हमारे पास सोल्यूशन तो हो जाना चाहिए. भाई आपके पास जब सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है तो आपको टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस मिलेंगे जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन आप डिफाइन करते हैं एज द कंप्लीट सोल्यूशन. तो यहाँ पर एक पार्ट से आपका काम नहीं चलेगा, आपको टू जो सोल्यूशंस हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस उनको सर्च करना होगा. अगर आप हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम डेफिनेटली कर लेंगे. अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर है इसका यूज कर लीजिए, सेकेंड फंक्शन आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिल जाएगा. सो ये थोड़े से लेंदी जरूर हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमें काफ़ी वर्क यहाँ पर करना पड़ता है. सो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कंपेयर बेथ वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर. सो वॉट इज द पी, आवर पी इज माइनस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एंड वॉट इज क्यू, क्यू इज एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एंड वॉट इज आर, आर इज जीरो. सो सबसे पहला काम हम भाई यही हिट एंड ट्रायल चेक करेंगे कि विच फंक्शन इज द पार्ट ऑफ द सी एफ. थोड़ा सा पी को मोर सिंप्लीफाई अगर करके लिखना चाहें, देन आई थिंक दिस कैन बी रिटन एज वन ओवर एक्स माइनस टू, और अगर हम q को यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें, देन दिस इज रिटन एज वन माइनस वन ओवर एक्स. तो समथिंग यहाँ पर बड़े इजीली देख रहा है, p प्लस q तो आपको करना ही करना है, ठीक है. तो p प्लस q तो हम करेंगे ही भाई, तो सेम आ जाएगा, ये कैंसिल हो रहे हैं, एक माइनस वन, आई थिंक माइनस वन बचा यानी प्लस वन. तो अगर हम यहाँ पर चेक करें, नाउ ये हिट एंड ट्रायल है, इसका कोई तरीका नहीं आपको हिट एंड ट्रायल में, बस इतना यहाँ से कुछ
देख के पता लग जाएगा कि पी प्लस क्यू में कुछ हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कैंसिल आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या किसी मल्टीप्लायर से हमें कैंसिल आउट करने। तो ये सिंपल अंडरस्टूड प्रोसेस है, तो उससे आप इजीली जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। नाउ वी चेक वन प्लस पी प्लस क्यू, हमें अभी कन्फर्म नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, हम रिटर्न ट्रायल में इसको प्रोसीड करेंगे। तो वन आपका हो गया प्लस पी हो गया वन अपॉन एक्स माइनस टू, प्लस क्यू हो गया वन माइनस वन अपॉन एक्स। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस प्लस एंड दिस वन माइनस, तो ये आ गया जीरो। हेंस ई रेस टू द पावर एक्स इज ए सोल्यूशन दैट इज ए पार्ट ऑफ द सी एफ, दैट इज ए पार्ट ऑफ सी एफ। तो अब इसके बाद क्या करते हैं आप, लेट कर लेंगे बाई इक्वस टू वी ई रेस टू द पावर एक्स, बी ई रेस टू द पावर एक्स इज द कंप्लीट सोल्यूशन। अब आपके पास ये जो चेंज ऑफ वेरिएबल वाली इक्वेशन थी, सॉरी नॉट चेंज ऑफ वेरिएबल, ये जो अपने बाई इक्वल टू वी जेड वाली इक्वेशन थी, उसमें अब हम डायरेक्ट रिजल्ट्स को पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम इस इक्वेशन का डायरेक्ट एप्लीकेशन करते रहेंगे, क्योंकि पूरा अब ये सब प्रोसेस करने का मतलब नहीं बनता है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। सो इज द कंप्लीट सोल्यूशन when v is given by क्या था इक्वेशन, b डबल डैश प्लस p प्लस टू जेड डैश ओवर जेड v डैश इक्वस टू r ओवर जेड, एंड वॉट इज योर जेड, e रेस टू द पावर x। सो इसको आप एज इट इज लिख लीजिए, प्लस पी, व्हाट इज द पी, वन ओवर एक्स माइनस टू प्लस टू जेड डैश, जेड डैश इज ई रेस टू द पावर एक्स एज इट इज, जेड इज ई रेस टू द पावर एक्स एज इट इज, वी डैश एंड दिस आर इज जीरो। सो ये कैंसिल, प्लस टू माइनस टू आर कैंसिल, सो दिस वन लेफ्ट इज वी डबल डैश प्लस वी डैश ओवर एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसको आपको आप सॉल्व करना है, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। एक क्वेश्चन में पूरा सॉल्व कर देता हूँ, लेट डी बी ओवर डी एक्स इज डी टी ओवर डी एक्स, सो सॉरी इट्स नॉट डी टी ओवर डी एक्स, सॉरी इट्स टी, सो दिस वन इज डी टी ओवर डी एक्स प्लस वन ओवर एक्स टी इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वन ओवर टी डी टी ओवर डी एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेट तो ये आ जाएगा आपका लॉग टी, ये आ जाएगा आपका लॉग एक्स, और ये आ जाएगा से मे बी लॉग सी। तो यहाँ पर आपको मिल गया टी एक्स इक्वल टू C, एंड नाउ रिटर्न द टी, वट इज द टी, टी इज सिंपली डी वी ओवर डी एक्स, एक्स इक्वल टू सी। सो अगेन आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डी वी ओवर डी एक्स इक्व टू सी ओवर एक्स। आप इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये दिस इज द वी इंटीग्रेट, दिस इज द वी इक्व टू सी टाइम्स लॉग एक्स प्लस अनदर कॉन्स्टेंट से सी वन। ठीक है, तो ये आपको मिल गया यहाँ पर v, हेंस आपको y निकालना है, y इज द v टाइम्स ऑफ z, v इज c log x प्लस c1, और z है आपका e रेस टू द पावर x, ये हो गया c e रेस टू द पावर x log x प्लस c1 e रेस टू द पावर x। एंड डेफिनेटली आप सॉल्यूशंस में देख भी रहे होंगे कि e रेस टू द पावर x इज ए सोल्यूशन, और यहाँ पर ये कुछ मल्टीप्लायर आपके पास आ रहा है फंक्शन, दिस वन डिफाइंस द सेकंड पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। सो इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे प्रोसेस हैं, काफ़ी लेंथी हो सकते हैं ये,
तो मैं एक एक प्रोसेस को एक एक वीडियो में यहाँ पर आपको मेंशन करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका वीडियो भी लेंदी ना हो, इजीली हम एग्जांपल्स को भी यहाँ पर टैकल कर सकें। ओके, सो अगेन एक मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई अभी भी मुझे जो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर दिख रहे हैं उसमें काफ़ी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, ठीक है। कमेंट्स भी कीजिए, क्योंकि कमेंट्स जब आप करते हैं तो हमें आपकी जो हमारी तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी कंटेंट में चेंजेस हैं वो हमें यहाँ पर पता लगेंगे, और आप लोग अपने डिमांड्स भी हमें वहाँ पर बोल सकते हैं कि किस तरह का आपको चेंज की ज़रूरत है, तो वो भी कोशिश की जाएगी कि आपको प्रोवाइड किया जाए। तो ये थोड़ा सा आप लोग भी प्लीज़ इस पर थोड़ा फोकस कीजिए, और अगर आप रेगुलरली वॉच करेंगे देन डेफिनेटली आपको ये काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। आज के लिए इतना ही।